Assalamu alaikum students, welcome to the 11th lecture of Software Design and Architecture. Software Design and Architecture is a CSE 303 course that you are fulfilling as a requirement of your degree. Software Design and Architecture is a course focused at the design phase of a software development life cycle. The major components, the major modules that we would be covering, that we have been covering in this course, are related to the architectural design, the detailed design, and the UML parts of the detailed design. What we have previously done is that we have looked at design in general, design as a phase, design as the combination of both the architectural design and the detailed design. And then we have gotten into the details of the architecture. We've seen what architecture is, we've seen why it's necessary or required, and then we've seen what would happen if we did not put enough amount of effort into creating an architecture. We saw multiple architectural patterns or architectural styles. We've been looking at them for the past few lectures, and we are still continuing with them. So अभी तक हम कर क्या रहे हैं, हमारे सारे कोर्स में क्या चल रहा है कि हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एज अ फेज को स्टडी कर रहे हैं. हमने ये देखा है कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किधर लाया करता है, और इस डिज़ाइन में फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का और डिटेल्ड डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस या इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये दोनों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन दोनों की. फिर इसमें हमने अभी तक जो देखा है, हमने डिज़ाइन एज अ फेज देखा है. हमने देखा है कि कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है. डिज़ाइनर को अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंपल्सरी चाहिए होती हैं. और उसके बाद हमने ये देखा है कि आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद आर्किटेक्चर. वी हैव सीन व्हाट आर्किटेक्चर इज, वी हैव सीन व्हाट आर्किटेक्चर डज. हम आर्किटेक्चर होता क्या है, बनाते कैसे है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, और रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने ये देखा है कि इसके मतलब फायदे और नुकसान क्या है. नहीं आप आर्किटेक्चर सही से बनाएंगे तो ओवरऑल सिस्टम की डिवेलपमेंट को क्या फर्क पड़ेगा इससे. Then we stepped into the architectural styles or patterns. फिर हमने अपने size और patterns शुरू किया, और उसके अंदर हमने ये देखा कि कौन कौन से basic categories हैं. Style या pattern in itself कहते किसको हैं, वहाँ पे हमने figure out किया कि एक तरह के problem के लिए, एक तरह की domain के लिए एक particular architecture apply कर देना, एक particular architecture choose कर लेना, उससे हमें कुछ benefits या disadvantages मिलते हैं. तो ये जो particular architecture है जो most suitable है, और उस डोमेन के अंदर कोई भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो, उस सारे सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन डोमेन सेम है, प्रॉब्लम सेम है, और सबके लिए जो एक जनरलाइज सा आर्किटेक्चर लग सकता है, वो हमारे पास एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है. तो आर्किटेक्चरल पैटर्न या आर्किटेक्चरल स्टाइल कंपोज किसका हुआ होता है, कंपोनेंट्स का ही होता है. ठीक है, उन्हीं आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स का होता है जिनका जिक्र हम पहले से ही कर रहे हैं. इट इज कंपोज ऑफ दोज कंपोनेंट्स, देयर कनेक्टर्स एंड देयर कंस्ट्रेंट्स. तो ये कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स और कंस्ट्रेंट्स मिलके हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल बनाते हैं. और स्टाइल या आर्किटेक्चरल पैटर्न की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये एक डोमेन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सॉल्व एबिलिटी रखता. ठीक है, सो इसमें फिर हमने देखा व्हाट द कैटेगरीज ऑफ आर्किटेक्चर्स आर. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, बट वी हैव बीन लुकिंग एट अ फ्यू ऑफ देम. हमने उसमें से कुछ कैटेगरी सेलेक्ट की, और उन कैटेगरीज के आगे से हम पैटर्न्स जो हैं वो देख रहे हैं. तो हमने स्टार्ट अपने हायरार्कल कैटेगरी से किया था, और हायरार्कल के अंदर हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर या लेयर्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा था कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल लेवल्स के ऊपर या लेयर्स के ऊपर कंपोनेंट्स अरेंज्ड होते हैं, और उस लेयर्स के थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन होती है कंपोनेंट्स की. हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर से बात कर सकती है, और अपने से नीचे वाली लेयर पे बात कर सकती है. फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स देखे. डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स में ये है कि हमारे पास फिजिकल लोकेशंस जिनके ऊपर हमारे कंपोनेंट्स पड़े हैं, वे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. जब जियोग्राफिकली हमारा सॉफ्टवेयर और हमारी हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है.
ठीक है. तो इस कैटेगरी में वी सॉ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने टू टीयर्ड मल्टी टीयर्ड दोनों देखे. एंड देन वी सॉ द सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर में सर्विसेज कहते किसको हैं. सर्विसेज इस तरह की चीजें हैं कि जो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हैं, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन हैं, जो कि हम दूसरे वेंडर से या दूसरे डेवलपर से या दूसरी कंपनी से अपने सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं. ठीक है, हम उसकी ओनरशिप या प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हमें, वो जो सर्विस डेवलपर है उसी के पास रहता है, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद वी सॉ द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स जो हैं वो खत्म हो गए. फिर हमने देखे कि डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स क्या हैं. डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि डाटा के फ्लो के ऊपर फोकस है. हमारे पास डाटा पे फोकस है कि डाटा के एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे. एंड देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू आस्क वाज कि डाटा का फ्लो किस तरह होगा, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस डाटा के ऊपर लगती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से डाटा गुजर के जाता है, पहले हमारे पास किस फॉर्मेट में होता है, बाद में किस फॉर्मेट में होता है. और इसी फॉर्मेट की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि डाटा पे ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, और उन ऑपरेशंस की बेसिस पे हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं. हर कंपोनेंट हर एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरेस्पॉन्ड करता. आज डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स में हमने दो बेसिक आर्किटेक्चर्स पैटर्न्स स्टडी किए थे, बैच सीक्वेंशियल पैटर्न एंड पाइप एंड फिल्टर पैटर्न. बैच सीक्वेंशियल पैटर्न उस तरह का फ्लो पैटर्न है कि जिसके अंदर हमारे डाटा एज अ बैच एज अ फाइल कंसिडर होता. ठीक है, एज अ बैच डाटा की प्रोसेसिंग भी होती है और एज अ बैच डाटा की ट्रांसफरिंग भी होती है. ठीक है, तो डाटा एक कंप्लीट सेक्शन के तौर पे हमें मिलता है, एक कंप्लीट फाइल के तौर पे हमें मिलता है, और कोई एक कंपोनेंट उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसी तरह एज अ कंप्लीट एक कंप्लीट बैच के तौर पे उसको अगले कंपोनेंट को प्रोवाइड कर देता है प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए. ठीक है, और दूसरा हमारे पास था पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर. पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर में क्या था कि हमारे पास डाटा अब बैचेस की फॉर्म में नहीं है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में. एज सून एज के आपको स्ट्रीम की इनपुट शुरू होती है, स्ट्रीम आपको मिलना शुरू होती है, तो आप उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं. और एक फिल्टर जो है, या एक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट को हम फिल्टर बोलते हैं, एक फिल्टर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस कर रहा है. तो जितनी भी आउटपुट हुई हो, चाहे दो कैरेक्टर्स की हो चाहे पांच की, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई हो वो उसको आउटपुट के तौर पे नेक्स्ट फिल्टर को दे देता. ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे दोनों फिल्टर्स के दरमियान में पाइप्स हैं. ठीक है, पाइप्स कनेक्ट करते हैं हमारे फिल्टर्स को आपस में, और वो हमारे डाटा स्ट्रीम होल्डर्स हैं. ये वो कनेक्शन चैनल्स हैं जो डाटा स्ट्रीम को एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर तक ले जा सकते हैं. ठीक, अब डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स में हमने ये देखा कि सिंप्लिसिटी तो है, एक ईज है हमारे पास, एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है, हम आराम से डाटा को फोकस करके उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. लेकिन इसमें मसला ये है कि ये इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए नहीं है. ठीक है, इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा है. पाइप एंड फिल्टर में तो फिर भी किसी हद तक कॉन्करेंसी है, बैच सिक्वेंशियल में तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डाटा बैचेस में प्रोसेस हो रहा है. तो जो हमारे पास इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हैं, जिसमें यूजर्स से इंटरैक्शन हमें ज्यादा चाहिए, उन एप्लीकेशंस के अंदर डाटा फ्लो आर्किटेक्चर जो है वो एक्सट्रीमली अनसुटेबल है. ठीक है, आज का हमारा एजेंडा यह है कि हम शेयर्ड डाटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को देखते हैं, इस स्पेशल कैटेगरी को देखते हैं. इसमें देखते हैं कि शेयर्ड डाटा का नाम हमारे पास कहाँ से आता है, कि कौन सा डाटा शेयर करते हैं और कैसे शेयर करते हैं. और फिर इसी में जो हमारे पास सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, हम उसको डिटेल से देखेंगे. सेंट्रल रिपोजिटरी में, अगेन, सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है और कैसे है, और ये हमारे कंपोनेंट्स को और उनके कनेक्शंस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं. शेयर डाटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, अब द डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय
a centralized data store that is shared by all surrounding software components. ठीक है, तो what we have here is हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर है, और इस सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर के अंदर क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसी डाटा स्टोर को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. मीनिंग क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उन बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ आपने एक डाटाबेस अटैच कर दिया, और अब सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उस डाटाबेस के साथ बात करते हैं, जितना भी डाटा उनको चाहिए वो उस डाटाबेस से रिसीव करते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बात आपको याद रखनी है, उसमें से पहली तो चीज़ ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर है, और डाटा भी खाली डाटाबेस की बात नहीं कर रहे, डाटा स्टोर है. तो उसके अंदर डाटाबेसेस भी आ सकते हैं, रिपोजिटरीज आ सकते हैं, वेयरहाउसेस आ सकते हैं, और सिंपल फाइल्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है. जिस भी फॉर्मेट में डाटा हमने स्टोर करना है वो सब इसके अंदर आ सकता है. ठीक है, और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, सेंट्रलाइज्ड की मीनिंग कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उन सब की सेंट्रल लोकेशन में हमारे पास कहीं हम अपना डाटा स्टोर मौजूद होगा. That is shared by all surrounding software components. ठीक है, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स हैं वो इसी डाटा स्टोर को सराउंड करते हैं, इसी के इर्द गिर्द बने हुए हैं. ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द बने हुए हैं तो वो उसी से अपनी जो भी इनपुट्स हैं, जो भी उनको डाटा उन चाहिए है, वो उसी से रिसीव करने की एबिलिटी रखते हैं. द सिस्टम इज डीकम्पोज इंटू टू मेजर पोर्शंस, द डाटा स्टोर एंड द इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और एजेंट्स. ठीक है, अब इस आर्किटेक्चर में जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, हम आर्किटेक्चर के साथ ये टर्म बार बार इस्तेमाल करते हैं. आर्किटेक्चर में हमारे पास सिस्टम लेवल एंटिटीज होती हैं. सिस्टम लेवल एंटिटीज को जनरल टर्म्स में हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. तो ये सिस्टम लेवल एंटिटीज हर आर्किटेक्चर का पार्ट है. इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे हम आर्किटेक्चर को क्रिएट करते हैं. ठीक है, इसको अगर लेयर में ऑर्गेनाइज कर देंगे तो लेयर्ड आर्किटेक्चर बन जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बन जाएगा. ठीक है, तो अब उसके इसी रेफरेंस से हमारे पास शेयर डाटा के अंदर कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. हमारे पास एक तो डाटा स्टोर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या एजेंट्स हैं. डाटा स्टोर क्या है, जैसे अभी आपको बताया कि डाटा स्टोर वो है जहां पे हमारा सारा डाटा पड़ा है, चाहे ये डाटा एक डाटाबेस की फॉर्मेट में हो, मल्टीपल डाटाबेसेस या डाटा वेयरहाउसेस की फॉर्मेट्स में हो, या सिंपल फाइल्स की फॉर्मेट्स में हो. डाटा स्टोर वहां है जहां एप्लीकेशन की निस्बत से जो जो चीज हमें चाहिए थी हमने प्लेस कर दी. और इसके जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स या एजेंट्स कौन से होंगे. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में एजेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में एजेंट्स वो होते हैं जो अपना काम करने के लिए फॉर एवरी एक्शन ऑफ देयर्स दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द यूजर. इनमें हमने एक सर्टेन अमाउंट तक खुद से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखी है. ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सोफिस्टिकेटेड एआई टेक्निक से भी आ सकती है, और आपका सिंपल जो है वो सिंपल सिनेरियोज या सिंपल डिसीजन ट्रीज के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो जाती है. एजेंट्स में सिग्निफिकेंट बात सिर्फ यह है कि दे अलाउ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू मेक सम डिसीजंस ऑल बाय इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ हैविंग टू रिलाय ऑन द यूजर फॉर एवरी एक्शन. ठीक है, ये एनवायरमेंट को रीड करके, अपनी सिचुएशन को रीड करके किसी हद तक फैसला या रिजल्ट जो है वो खुद से कैलकुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, या हमारे एनवायरमेंट हमारे यूजर पे डिपेंडेंट नहीं होते हर उसकी प्रोसेसिंग के लिए. कनेक्शंस, अब कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली, कनेक्शंस कौन से हैं. जो कनेक्शंस बिटवीन द डाटा मॉड्यूल्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड ईदर बाय एक्सप्लिसिट मेथड इनवोकेशन और बाय इम्प्लिसिट मेथड इनवोकेशन. ठीक है, तो अब इन कंपोनेंट्स ने डाटा रिपोजिटरी से या हमारे डाटा स्टोर से जब भी बात करनी होगी तो इसके कम्युनिकेशन के बेसिकली दो तरीके हैं.
एक क्या है कि एक्सप्लिसिट मेथड इन्वोकेशन हो रही है और दूसरा क्या है कि इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन हो रही है। अब इसमें पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो क्या है कि मेथड इन्वोकेशन किसको कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेथड इन्वोकेशन, हाउ व्हाट डू वी मीन बाय इन्वोकेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय मेथड इन्वोकेशन। तो इन्वोकेशन क्या कहते हैं, कॉल अपॉन समथिंग, ठीक है, टू मेक समथिंग स्टार्ट, टू कॉल अपॉन समथिंग इज इन्वोकिंग समथिंग। मेथड इन्वोकेशन से मुराद क्या है कि हम फंक्शंस को कॉल दे रहे हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग के फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है, हमारे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे एक सम का फंक्शन बना के रखा हुआ है तो अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं सम को कॉल देते हैं इस तरह से तो दिस इज यू इन्वोकिंग अ मेथड, ठीक है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ मेथड इन्वोकेशन। मेथड इन्वोकेशन दो तरह की हो सकती है, एक्सप्लिसिट मेथड इन्वोकेशन भी हो सकती है और इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन भी हो सकती है। इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन क्या है, जो ऑटोमेटिक मेथड इन्वोकेशन है, जो खुद से किसी ट्रिगर की बेस पे हो रही है, यूजर एक्शन की बेस पे नहीं हो रही, किसी ट्रिगर की बेस पे हो रही है। ये ट्रिगर टाइम रिलेटेड भी हो सकता है और ये ट्रिगर इवेंट रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जैसे हमने फायर अलार्म सिस्टम की पहले बात की थी, फायर अलार्म सिस्टम में ये होता है कि आपको कोई बटन दबा के नहीं बताना पड़ता कि आग लग गई हुई है, वो खुद से डिटेक्ट करता है कि अगर कमरे का टेम्परेचर एक सर्टन हद से ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब है कि कमरे में कोई हीट सोर्स एग्जिस्ट कर रही है, स्ट्रॉन्ग हीट सोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो उससे इस बात का अंदाजा वो लगाता है कि अच्छा आग लग गई है और अब जो है मुझे बाकी लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा थ्रू द सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट इन्वोकेशंस हैं कि ये किसी ट्रिगर पे, किसी इवेंट पे, किसी टाइम पे डिपेंडेंट है, किसी पर्सन के एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये यूजर की रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इन्वोकेशंस हैं वो हमारे यूजर के एक्शंस पे डिपेंडेंट होती है कि आप एक अगर आप ये बटन प्रेस कर देंगे तो फिर हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे, ठीक है। तो वो इन केसेस में इस तरह है कि जब तक आप बटन नहीं प्रेस करते, चाहे आप 5 मिनट बटन नहीं प्रेस करेंगे, चाहे आप 2 साल नहीं बटन प्रेस करेंगे, तो ये एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस एक्शन के पीछे आप जो फंक्शन कॉल लिखी हुई है वो हमारी एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन से कि आपने डायरेक्टली लिखा है कि ये काम होगा और कब होगा कि इससे कॉरेस्पॉन्ड करके होगा। इन अ प्योर डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली, इंस्टेड कम्युनिकेशन इज डन थ्रू द डाटा स्टोर। अब शेयर डाटा सॉफ्टवेयर में एक इम्पॉर्टेंट या मजेदार बात यह है कि हमारी जो सेंट्रल रिपोजिटरी है, पहली बात तो हमने ये कर दिया कि हमारे डाटा स्टोर के इर्द गिर्द कॉम्पोनेंट्स पड़े हुए, ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे है और जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द पड़े हुए, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये सारे कॉम्पोनेंट्स इससे किसी न किसी तरह बात तो कर ही रहे हैं, कनेक्शन हमने डिफाइन कर लिए, वो इम्प्लिसिट हों या एक्सप्लिसिट हों वो हमारे डाटा स्टोर के साथ तो बात कर ही रहे हैं। अब इस आर्किटेक्चर की जो जो इसकी प्योरेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इनका इंटरैक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा स्टोर के साथ है, ठीक है। तो ऑल द कम्युनिकेशन इज डन डायरेक्टली विद द डाटा स्टोर और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो डाटा स्टोर के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो अगर भी कोई इस तरह का काम है कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के काम पे डिपेंडेंट है तब भी डायरेक्ट इंटरैक्शन में नहीं आएंगे, ये कंपोनेंट पहले अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके डाटा स्टोर में प्लेस कर देगा और फिर डाटा स्टोर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई हुई है उसी को एक्सेस हमारा दूसरा कंपोनेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब समराइज कर ले, हम जल्दी से देख ले इसमें क्या था। हमारे पास शेयर डाटा आर्किटेक्चर क्या है कि जिसके अंदर
डाटा जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है, और शेयर्ड इसीलिए इसको कहते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स उसी डाटा स्टोर के साथ कनेक्टेड है, और उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरी हमने क्या अहम बात देखी, ये तो लोकेशन के हिसाब स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गई। दूसरी अहम बात हमने ये देखी कि हमारे पास जो कनेक्शंस की टाइप हैं वो इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं, ठीक है। और फिर तीसरी बात हमने क्या देखी कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, कंपोनेंट्स डायरेक्टली जो है वो हमारी रिपोजिटरी के साथ या शेयर डाटा स्टोर जो है हमारा उसके साथ बात करते हैं और अपनी प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो उसी के अंदर प्लेस करते हैं। द शेयर डाटा मॉड्यूल प्रोवाइड्स ऑल मैकेनिज्म्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू एक्सेस इट सच एज इंसर्शन डिलीशन अपडेट एंड रिट्रीवल। जो हमारे पास शेयर्ड मॉड्यूल है शेयर डाटा स्टोर है वो सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइक इंसर्शन डिलीशन अपडेशन के वो सब की सब सपोर्ट करता, ठीक है। अब इस शेयर डाटा आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो वेरिएशंस हैं, द हाई लेवल डिजाइन सॉल्यूशन या हाई लेवल डिजाइन इज एन आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन शेयर डाटा स्टोर विच एक्ट एज सेंट्रल कमांड विद टू वेरिएशंस, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रल कमांड है, ये हमारी सेंट्रल लोकेशन है क्या ये की क्या बात हो रही है कि ये हमारा डाटा स्टोर है, डाटा स्टोर इज द सेंट्रल कमांड, और इसमें दो वेरिएशंस हमारे पास हैं, दो बातें हैं हमारे पास इसके, एक ब्लैकबोर्ड स्टाइल और एक रिपोजिटरी स्टाइल, ठीक है। ये दो जो चीजें हैं ये जो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पैटर्न्स हैं ये इस फिलॉसफी पे शेयर डाटा की सेंट्रल डाटा की फिलॉसफी के ऊपर डेवलप हुआ है, ठीक है। अब इनमें से आज हम रिपोजिटरी स्टाइल देखते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है हम ब्लैकबोर्ड स्टाइल की डिटेल्स देखेंगे। रिपोजिटरी आर्किटेक्चर इज अ डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर दैट सपोर्ट्स यूजर इंटरैक्शंस फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब वही क्योंकि सिंस दिस इज दिस डज बिलोंग टू द शेयर डाटा आर्किटेक्चरल फैमिली, तो जो हमारे पास शेयर्ड या सेंट्रल डाटा आर्किटेक्चर के जितने भी रूल्स हैं वो सब जो है हमारे पास रिपोजिटरी आर्किटेक्चर के अंदर भी फॉलो हो रहा है। इसमें क्या है, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर है और सपोर्ट्स यूजर इंटरैक्शंस फॉर डाटा प्रोसेसिंग, हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूजर की इंटरैक्शंस की बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। यूजर की इंटरैक्शंस का मीनिंग यह है, अब इसको इस लिहाज में याद रखिए कि हमने जो पिछली क्लास या कैटेगरी की थी डाटा फ्लो की, हमने उसमें स्पेसिफिकली मना किया था कि अगर यूजर इंटरैक्शंस हाई हैं तो फिर उसको डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स के थ्रू नहीं बनाएं, ठीक है। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स जो थे उनमें हाई लेटेंसी होती है तो वो यूजर इंटरैक्शंस के साथ नहीं बनाने थे। फिर हम अगली कैटेगरी पे आए हैं डाटा सेंटर्ड पे, ठीक है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, और डाटा सेंटर्ड में हमने ये कहा है कि ये यूजर इंटरैक्शंस के लिए अलॉट मोर सूटेबल है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एजेंट्स ऑफ द डाटा स्टोर कंट्रोल द कंप्यूटेशन एंड फ्लो ऑफ द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस सारे जुमले में कि एजेंट्स ऑफ द डाटा स्टोर, ठीक है, डाटा स्टोर जो है जो हमारी सेंट्रल स्टोर था दैट वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज को, कंप्यूटेशन एंड फ्लो ऑफ लॉजिक ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हमारे सारी जो कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारी रिपोजिटरी के साथ, ठीक है। तो अब कोई भी इंटरैक्शन रिपोजिटरी को बाईपास करके नहीं हो सकती, हर इंटरैक्शन के लिए एक मॉड्यूल जो है वो रिपोजिटरी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और दूसरा मॉड्यूल को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिपोजिटरी से ही गेट करता है। गेट करने के बाद उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद रिजल्ट्स दोबारा
रिपोजिटरी में ही आता है. तो ये जो फ्लो है कि क्या चीज किधर से कैसे जाएगी और कैसे नहीं जाएगी, ये प्राइमरली हमारी रिपोजिटरी या सेंट्रल स्टोर कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल स्टोर ही सारे कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड है. कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो एक दूसरे को इन्वोक नहीं कर सकते, एक दूसरे के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते. वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो रिपोजिटरी में कुछ डाटा डाल दें और वहीं से जो है अपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डाटा रिसीव कर लें. इसकी ये एक छोटी सी आप एग्जांपल देख लें कि हमारे पास एक सपोज पेशेंट्स का डाटाबेस पड़ा हुआ है. पेशेंट का डाटाबेस सेंट्रल लोकेशन पर पड़ा हुआ है या सेंट्रल हमारी रिपोजिटरी के तौर पर काम कर रहा है और इसके साथ हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं. फिजिशियन का डायग्नोसिस कंपोनेंट है, लैब टेस्टिंग कंपोनेंट है, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट है एंड फार्मेसी एंड ड्रग प्रोसेसिंग का कंपोनेंट है. ठीक है, तो इस पेशेंट्स डाटाबेस में अगर सपोज करें कि एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, उसमें ये पड़ा हुआ है कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसको डिजीज क्या है और उसको कौन से डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी तक देखते रहे हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या थी. ठीक है, और उसको कौन सा टेस्ट जो है वो असाइन हुआ हुआ है कि कौन सा अभी उसने टेस्ट कराना है. ठीक, तो लैब टेस्टिंग क्या करेगी, लैब टेस्टिंग का जो हमारा मॉड्यूल है वो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन गेट करेगी और उसमें इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देगी. ठीक है, अब उसने टेस्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी कि ये वाला एक पर्टिकुलर टेस्ट इसका हो गया है, उसका MRI स्कैन हो गया है फॉर एग्जाम्पल और उसके रिजल्ट जो है वो ये थे. ठीक है, अब जब ये वाली चीज इसके अंदर आ गई, हमने एक नई इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो ये नई इन्फॉर्मेशन इधर से आई थी, मतलब हमने पहले रिकॉर्ड गेट किया था लैब टेस्टिंग के लिए, रिकॉर्ड अपडेट किया और फिर वापस उसके अपने डाटाबेस के अंदर डाल दिया था. ठीक है, वंस दैट इज डन, तो अब हमारा फिजिशियन जो है उसका डायग्नोसिस चेंज हो सकता है. अब उसने कहा कि अच्छा MRI स्कैन के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आया तो इसकी जो डिजीज है वो तो मेरे हिसाब से ये है. ठीक है, तो अब इसकी प्रोसेसिंग के नतीजे में डाटाबेस अपडेट हुआ था और डाटाबेस की अपडेशन ने हमारे दूसरे कंपोनेंट को ट्रिगर कर दिया, हमारे दूसरे कंपोनेंट को ये बता दिया कि अब इसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपडेट होनी चाहिए. ठीक है, फिर फिजिशियन डायग्नोस वाले जो है मॉड्यूल या कंपोनेंट, उसने डाटा गेट किया, खुद ही डाटा गेट करना, ये डाटा गेट करना इसकी अपनी जिम्मेदारी है, डाटा गेट किया और डाटा गेट करके उसको अपडेट करके उसमें जो भी प्रोसेसिंग करनी थी वो सारी करके दोबारा डाटा को जो है वो डाटाबेस के अंदर प्लेस कर दिया. ठीक है, अब वो प्लेस कर दिया, डिजीज चेंज हो गई है, डायग्नोसिस चेंज हो गया है, तो अब हमारे पास जो है फार्मेसी का या ड्रग प्रोसेसिंग वाला सिस्टम था वो एक्टिव हो गया कि अब जो मेडिकेशन इसके लिए होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गई है तो जो मेडिकेशन इसके लिए होनी चाहिए वो भी चेंज हो गई है. ठीक है, तो वो सारी की सारी दोज वुड बी अपडेटेड, और वो अपडेट हो जाती हैं तो उसके बाद हमारा जो है फाइनल अकाउंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो भी अपडेट हो जाता है कि इसके अब टोटली अब इसको सर्जरी के लिए उसको अगर कुछ करना है तो हम कोई सर्जरी इसकी शेड्यूल करते हैं, अगर नहीं कुछ नहीं MRI क्लियर था, सब क्लियर था तो हम इसको आउट पेशेंट्स में डाल दें. तो वो जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल स्टेप है वो ये डिसाइड करता है कि अब उस पेशेंट के साथ करना क्या है, अब उसको रखना है या जाने देना है, उसकी फाइनल फाइल अपडेट करनी है. ठीक है, तो मकसद क्या है कि हर कंपोनेंट जो है वो अपना अपना काम यहाँ पे कर रहा है. यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, लैब टेस्टिंग का अकाउंट्स वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, अकाउंट्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, लैब टेस्टिंग का इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसको चार्ज कितना कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे हैं. ठीक, उसको दैट मॉड्यूल वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग मॉड्यूल. सिमिलरली द फिजिशियन डायग्नोसिस मॉड्यूल, जो उसके डायग्नोसिस के सारी चीजें करनी है, वो अगेन हमारी ड्रग वाले मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है. तो कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे जो हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, ये अपना काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं है. कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ऑल ऑफ देम आर फिनिशिंग देयर ओन वर्क, हैव देयर ओन फंक्शनैलिटी मैप्ड आउट टू देमसेल्व्स ओनली.
ठीक है, इनको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। क्या चीज लेकिन इन्हें फिर भी चाहिए काम पूरा करने को? डाटा चाहिए, ठीक है। और ये डाटा जो चाहिए, अब लैब टेस्टिंग है तो उसमें एसोसिएट तो करना है कि कौन से पेशेंट की लैब्स हमने कंडक्ट कराए हैं या कौन से पेशेंट का डायग्नोसिस हम देखना चाह रहे हैं। तो जो चीज चाहिए है, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, जो रिक्वायर्ड बात है, वो क्या है? डाटा की। और ये डाटा हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? हमारी रिपोजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये डायरेक्टली रिपोजिटरी के साथ ही एसोसिएटेड हैं। दे हैव नो कनेक्शंस अमंग देमसेल्व्स। इसको इसके साथ हमने नहीं जोड़ा है, लेकिन हमने इसको डाटा स्टोर के साथ जरूर जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि जिस चीज पे इन्होंने प्रोसेस करना है, जिसकी बेसिस पे इन्होंने चलना है, वो डाटा है। और वो डाटा किधर पड़ा हुआ है? सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल द डाटा इन द सिस्टम इज मैनेज्ड इन द सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल सिस्टम कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट्स डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली, ओनली थ्रू द रिपोजिटरी। ऑर्गेनाइजिंग टूल्स अराउंड द रिपोजिटरी इज एन एफिशिएंट वे टू शेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट बात हमारे लिए क्या है कि डाटा की जो लार्ज अमाउंट है वो हमारे पास एक ही जगह के ऊपर स्टोर हो रही है। तो एक ही जगह के ऊपर स्टोर होने से फायदा क्या होता है कि इसको मैनेज करना आसान है, ठीक है। अगर जगह जगह हो तो हर जगह पे आपको ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। हमारे पास एक टेबल एक जगह पे बना हुआ है और एक और टेबल एक और जगह पे बना हुआ है, तो वो आपस में क्लैश नहीं कर रहे। उन टेबल्स का डाटा जो है वो अप टू डेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम जो है मैंने बनाया, उसमें कुछ डाटाबेस का एक पोर्शन जो है वो इस्लामाबाद वाले नेटवर्क पे पड़ा हुआ है और एक और पोर्शन जो है वो कराची वाले नेटवर्क पे पड़ा हुआ है। और इस्लामाबाद वाले पोर्शन पे जो एम्प्लॉई का नंबर था वो हमारे पास न्यूमेरिक था, एक्स वाई अल्फा न्यूमेरिक था, एक्स वाई 1 2 3, ठीक है। कराची वालों ने भी शुरू में यही रखा था, इसलिए कोई मसला नहीं था। 2 महीने बाद कराची वालों ने अपना सिस्टम अपडेट किया। अब सिस्टम जब उन्होंने अपडेट कर दिया तो उन्होंने इसको अल्फा न्यूमेरिक को 5 डिजिट से चेंज करके 7 डिजिट कर दिया। अब ये एबीसी और 1 2 3 4 के फॉर्मेट में होता है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, सारे लोग तो एक ही है ना, सारे यूफोन के ही काम करने वाले हैं। कुछ इस्लामाबाद में, कुछ कराची में हैं, सारे यूफोन के, लेकिन उनके एम्प्लॉयज नंबर्स चेंज हो गए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सेटिंग्स में ये वाला काम हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या बहुत ज्यादा हो जाता है? डाटा अलग है तो डाटा की कंसिस्टेंसीज मेंटेन करनी पड़ती है। ये मेक श्योर करना पड़ता है कि डाटा जो है सही है, जहां जहां है एक ही तरह है, सही है, ओके। तो सेंट्रल का फिर फायदा क्या हुआ कि डाटा क्योंकि एक ही जगह पड़ा हुआ है, अलग जगह है ही नहीं, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, उसको मेंटेन करना आसान है। अब ये नहीं हो सकता कि कहीं किसी और ने किसी और तरह बदल ली और मैंने किसी और तरह बदल ली, क्योंकि अब मैनेज ही मैंने करना है खाली सारा। जब मैंने ही मैनेज करना है तो फिर मुझे पता है कि इसकी 5 नंबर्स की रखनी है या इसकी 7 नंबर्स की रखनी है, ठीक है। देर इज नो नीड टू ट्रांसमिट डाटा एक्सप्लिसिटली फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर। कॉम्पोनेंट्स की भी आपस के अंदर इंटरक्शन नहीं है, तो इस वजह से डाटा की इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाएगा। जब सारे कॉम्पोनेंट्स आपके सिर्फ डाटा शेयर में से भी इस शेयर में से ही डाटा ले रहे हैं, तो फिर वो एक ही डाटा को उठा रहे हैं। कॉम्पोनेंट्स मस्ट ऑपरेट अराउंड एन अग्रीड रिपोजिटरी डाटा मॉडल। अब इसमें बात क्या है, मैंने कहा कि एक लैब वाला भी वही डाटा उठा रहा है जो हमारे फिजिशियन का डायग्नोसिस सिस्टम उठा रहा है, और इसी तरह हमारे पास जो अकाउंट्स वाले थे वो भी वही वाली फाइल उठा रहे हैं। तो इधर इश्यू क्या आता है या कौन सी बात ध्यान में रखनी है? सारों को एक ही डाटा चाहिए, उस डाटा की ऐसी शक्ल होनी चाहिए, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि सारे उसको रीड कर सके। समझ में आ रही बात? हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, हर सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट जो है उसको रीड कर रहा है। तो अगर लैब वाले के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास पेशेंट का नाम जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा, ठीक है, मैंने जब डाटाबेस से उठाया तो अपने स्ट्रिंग नेम के अंदर लाके उसको स्टोर किया, तो फिर इसी तरह हमारे पास जो
फिजिशियन का डायग्नोसिस सिस्टम है उसके अंदर भी यही बात है कि आप जब डाटा डाटाबेस में से रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ही पेशेंट का नेम आना चाहिए। ठीक हो क्या? अगर कहीं पे मैं इस तरह करूं कि मैं डाटाबेस में उसको स्ट्रिंग को चेंज कर दूं और उसका साइज पहले नहीं फिक्स हुआ हुआ था या डिफरेंट था और अब उसको डिफरेंट कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग 40 कैरेक्टर लॉन्ग इट इज नाउ 20 कैरेक्टर लॉन्ग, तो उसकी वजह से ये भी फेल हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये तो ख्याल आ गया कि फिजिशियन वाले में ये यूज होता है, तो या मैंने उसी तरह अपडेट कर लिया, मैंने इस अपनी स्ट्रिंग नेम को दोबारा 20 कर लिया, लेकिन ये वाला फिर भी रह गया। तो जब सारे कॉम्पोनेंट्स ने, सारे मॉड्यूल्स ने वो सेम डाटा ही शेयर करना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सारे कॉम्पोनेंट्स जो है एक ही तरह का डाटा शेयर कर रहे हैं और उस जो भी तरह का डाटा है वो सारों को मालूम हो। ठीक है, इस तरह से मेरी मुराद उसका फॉर्मेट है या उसकी स्पेसिफिकेशन है। डाटा की जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिकेशन है वो सारी सेम होनी चाहिए और वो सिमिलैरिटी नोन टू ऑल कॉम्पोनेंट्स होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि लैब वाला जो है वो जब इसमें रीड राइट करे तो राइट करके वो कई डेफिनेशन चेंज कर दे, क्यों नहीं वो इस तरह कर सकता? क्योंकि बाकी कॉम्पोनेंट्स ने भी इन टाइम उसी डाटा को एक्सेस करना। इनएविटेबली दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच टूल एंड इट मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट न्यू कॉम्पोनेंट्स इफ देयर डाटा मॉडल्स डू नॉट फिट द अग्रीड स्कीमा। ठीक है, इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि इसका मसला यह है कि एक तो यह है कि हर टूल की अपनी अपनी नीड्स हो सकती हैं, हर टूल की अपनी नीड्स फिर फुलफिल नहीं होंगी। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो टूल्स की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक अग्रीड अपॉन डेफिनेशन ही डाटा स्टोर के अंदर डालनी। और दूसरा अगली बात क्या है कि नए कॉम्पोनेंट्स इंटीग्रेट करने हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए क्योंकि नए कॉम्पोनेंट को भी हमने अपनी पुरानी अग्रीड अपॉन डेफिनेशन के ऊपर ही ले जाके उसको इंटीग्रेट करना। अब इसमें एक बात ये याद रखें, हमने जब इसका फायदा बताया था तो हमने कहा था कि डाटा सारा एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है और उसी सेंट्रल लोकेशन से सारे कंपोनेंट्स एक्सेस कर रहे हैं तो डाटा के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली पूरी एक बात होती है वो हमें नहीं करनी पड़ी क्योंकि डाटा सारा का सारा एक ही जगह पड़ा है। जब एक ही जगह पड़ा है तो उस सारे कॉम्पोनेंट्स देर इन एक्चुअलिटी एक्सेसिंग द सेम डाटा, सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व्ड। याद क्या रखना है कि इससे मुराद एक ही फिजिकल लोकेशन नहीं है। ठीक है, सेम डाटा और वन डाटा डज नॉट मीन वन फिजिकल लोकेशन। डाटा मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, रिपोजिटरी अभी भी एक ही है लेकिन हो सकता है कि ये एक ही कंप्यूटर पे पड़ी हो और ये भी हो सकता है कि ये दो कंप्यूटर्स पड़ी हो। ठीक है, ये दो कंप्यूटर्स एक ही कमरे में दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट लोकेशंस पे, एक लाहौर और एक साहिवाल के दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिपोजिटरी को डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल है। उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास 400 टेबल्स हैं टोटल, तो 200 टेबल्स और 200 टेबल्स हमने डिवाइड कर लिए और 200 जो है वो एक लोकेशन पे डाल दिए और 200 दूसरे पे डाल दिए। यहाँ रिडंडेंसी नहीं हो रही, यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि इसके पास भी फाइनल सेट 400 और इसका भी 400 का आता, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर हम लिटरली अपनी रिपोजिटरी को ब्रेक कर रहे हैं, आधी इधर डाल दो आधी इधर डाल दो। ठीक है, अब उसमें फिर नुकसान क्या है? जो इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम था वो एग्जिस्ट कर सकता है, रिडंडेंसी हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर हमें कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। अब रिपोजिटरी में अगर आप यहां से उसको एक्सेस करते हैं तो सिंगल रिपोजिटरी थी तो आप कोई भी टेबल एक्सेस कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ब्रोकन रिपोजिटरी है तो अब आपको हो सकता है यहां से एक्सेस करना पड़े, हो सकता है यहां से एक्सेस करना पड़े। ठीक है,
तो अब ये वाली चीज जो है हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो गई, अब इसके मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल है। जो हमारे पास बेसिक फायदे थे एक ही जगह होने के, वो खत्म हो गए। आइडिया फिर भी सिमिलर है, अभी भी कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, सेंट्रल रिपोजिटरी से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमने कोई रूल इसका वायलेट नहीं किया, सिर्फ हमने एक चेंज ये किया है कि रिपोजिटरी को हमने सिंगल फिजिकल लोकेशन पे नहीं डाला, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल तरीकों से हो सकती है। अब इसका अगेन वही वाला नुकसान है कि ये इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर तो सकते हैं लेकिन ये डिफिकल्ट है, इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी ला सकती है, और जो इसके रिपोजिटरी के फायदे थे सेंट्रल होने के, वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं। अब ये हमारे पास एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिपोजिटरी आर्किटेक्चर की, जिसमें एक हमारे पास सेंट्रल रिपोजिटरी एग्जिस्ट कर रही है और हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इसी रिपोजिटरी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एजेंट्स जो है, ये जो आपको नजर आ रही है टू वे कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि एजेंट इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, लाइक कि इसको रीड कर सकता है, इसमें से इंफॉर्मेशन उठा सकता है, और ये इस पे जो दूसरा एरो है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ राइट कर सकता है। मैंने यहाँ से डाटा उठाया, डाटा उठा के डाटा चेंज जो करना था चेंज किया, और फिर उसके रिजल्ट्स वापस जो है वो रिपोजिटरी के अंदर डाल दिए, ठीक है। जो हमारे पास ये डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल सिग्निफाई कर रहे हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल से मुराद क्या है कि अगर एजेंट वन को ये चेक करना है कि डाटा की करंट स्टेट क्या है, तो ये चेक करना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। एजेंट वन वुड कम्युनिकेट विद द रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी खुद से अपने से कनेक्टेड कंपोनेंट्स को ये नहीं बताती कि डाटा चेंज हो गया, ठीक है। जो हमारे एजेंट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली चेंज के लिए खुद देखना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह हमारा रिफ्रेश होता रहता है ना, हर थोड़ी देर बाद आप रिफ्रेश वाला बटन दबा देते हैं तो लेटेस्ट डाटा जो है वो आपको गेट हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे लेटेस्ट डाटा जो है वो रिसीव करना और रिसीव करके उसको डिस्प्ले करना, ये हमारे एजेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। Clients can get data from the data store and put data in the data stores, and different clients may have different interfaces and different data accesses. यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हर एजेंट या हर क्लाइंट सेम डाटा गेट करता, नहीं हो सकता है। इसको जो है वो पेशेंट के खाली नाम से कंसर्न हो, ये जब रिसीव करता है तो वो खाली स्ट्रिंग नेम रिसीव करता है, ये सपोज करता हो तो वो खाली उसकी डिजीज रिटर्न करता है, और ये करता हो तो वो खाली उसके टेस्ट्स के रिजल्ट्स करता है, या उसकी जो उसको प्रिस्क्रिप्शन है प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स करता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे एजेंट्स सारा डाटा रिसीव कर रहे हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही जैसा कर रहे हों। पढ़ा तो यही है, ये लॉजिकली तो सारा कनेक्टेड ही डाटा है, ये सारी हमारी मेन जो एप्लीकेशन के हिसाब से तो ये सारा एप्लीकेशन का ही डाटा है, लेकिन उसके भी डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और कोई एक एजेंट जो है वो कुछ चार चीजें एक्सेस कर रहा हो सकता है, दूसरा एजेंट जो है वो बाकी चार चीजें एक्सेस कर रहा हो सकता है, ठीक है। अब ये समोवाइल की किताब से ली हुई एक एग्जाम्पल है, वो इसीलिए उस पर फिगर नंबर भी इसी तरह दिया है। अब हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है रिपोजिटरी आर्किटेक्चर्स की, वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स या IDEs। आपने C++ में और C में काम किया होगा, तो इनकी एक IDE बनी हुई आती है, एक हमारे पास डेवलपमेंट का बना हुआ आता है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन उसके अंदर जो है आप अपना प्रोग्राम लिख के जब कंपाइल करते हैं तो पीछे कंपाइलर चलता है और आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो जो हमारे पास इंटरफेस है, जो शक्ल है जहाँ पे हम बैठ के एक्चुअल कोड लिख रहे होते हैं, और उससे पीछे पूरी कंपाइलेशन और प्रोडक्शन ऑफ द रिजल्ट, ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है,
ठीक है, और इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे काम आपको उसी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर करके दे रहा है। जिस तरह हमारे पास बोलैंड हैं या डेवसीज हैं, कि सारी चीजें डिबगिंग भी उधर ही हो रही है, कंपाइलेशन भी उसके पीछे ही हो रही है, तो ऑल ऑफ द वर्क इज डन इन द एग्जैक्ट सेम प्लेस। ठीक है, वरना अगर आपको इसके कंपैरिजन में याद हो कि हमने जावा के लिए जब हम शुरू में करते होते थे, अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स उसके भी बन गए हैं, लेकिन शुरू में जावा करते होते थे तो जावा को कंपाइल करने के लिए उसकी अलग वो हम लाइब्रेरी यूज करते थे, और वो कमांड प्रॉम्प्ट से जाके आपको जावा की कंपाइलेशन की कमांड अलग थी, और उसकी क्रिएशन और उसकी सेविंग वो अलग हम नोटपैड में कहीं कर रहे होते थे। तो अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है जो सारे काम एक ही जगह पे कर लेती हैं। इन IDEs का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे बना हुआ है, जहाँ पे आपके पास एक जो है वो डाटा स्टोर है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे जितनी भी कोड फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C++ की पड़ी हुई हो सकती है और जावा की भी पड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं। अगर जावा की फाइल है तो जावा की फाइल को एडिट करने के लिए, जावा की फाइल को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए जावा का एडिटर पड़ा। ठीक है, इसके अलावा C++ की है तो उसके लिए C++ का एडिटर होगा, पाइथन की है तो पाइथन का एडिटर होगा। ये सारे एडिटर्स क्या करते हैं, हमें फाइल क्रिएट और फाइल चेंज करने की सहूलत दे देते हैं। वो काम हमने यहाँ इनके साथ कर लिए। ठीक है, फिर हमारे पास कोड जनरेटर्स हैं जो कोड जनरेट करते हैं, जो कोड आपके एक्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है, और इन्होंने किस चीज का कोड जनरेट करना है, इन फाइल्स का। ठीक है, तो वो भी अब जावा एडिटर से नहीं मांगता कि क्या बताओ क्या कौन सी फाइल का कोड करना है, उसको सेंट्रल रिपोजिटरी में से कोड मिल जाता है, और वो कोड जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो बाइनरी जनरेट करके एग्जीक्यूट की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास UML एडिटर्स हैं। UML एडिटर्स क्या है, UML इज द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और ये क्या करती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जो हमारे पास चीजें बनी हुई होती हैं उनका एक डिजाइन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। ठीक है, जैसे ये क्लास डायग्राम्स बना देती है या एक्टिविटी डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम्स बनाने की हमें सहूलत देती है। तो अगर मेरे पास सेंट्रल रिपोजिटरी में C++ की फॉर एग्जांपल बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 5 क्लासेस मैंने बनाई थी और उन 5 क्लासेस को मैंने स्टोर करा दिया है अपनी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में, तो UML का एडिटर इस बात की सहूलत देता है कि वो इनको रीड करके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास डायग्राम बना देगा मुझे। ठीक है, तो अब अगेन जो आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की इनको जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। एडिटर का काम खाली एडिटर का है, वो खुद ही करेगा और वो सेंट्रल रिपोजिटरी से कम्युनिकेट करेगा, यहां से चीजें ले भी जाएगा और स्टोर भी कर देगा। जो याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेशन का काम एजेंट्स के अपने पास है। ठीक है, मैंने जावा के अंदर 5 क्लासेस बनाई थी और उसके बाद उसकी UML की डायग्राम बना ली थी। ठीक है, फिर इन द मेन वाइल UML की डायग्राम बना के मैंने सेव कर ली, वो मेरे पास एक तरफ खुली हुई है, फिर मैंने जावा की जाके 5 के बाद 6 वाली क्लास बना दी है। तो अब UML एडिटर ऑटोमेटिकली 6 क्लास उसमें ऐड नहीं कर देगा जब तक कि मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश नहीं दबाती। जब मैं रिफ्रेश दबा दूंगी तो ये दोबारा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को एक्सेस करेगा और उसको पता चलेगा कि 5वें के बाद अच्छा एक और वाली प्लस इन अदर क्लास बन गई है, तो फिर ये अब आपको जो है नई क्लास डायग्राम बना के देगा। ऑटोमेटिक नहीं होगा, आप उसको खुद ही रिफ्रेश करेंगे, मैनुअली उसके ऊपर कोई काम करेंगे तो वो फिर आपको करके देगा। जो दूसरी इसमें सबसे हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है वो केस टूल्स की आती है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स जो है, केस टूल्स आर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। ये भी इसी तरह से हैं जैसे हमारे पास IDEs हैं, कि IDEs बहुत सारा डिफरेंट तरह का काम इकट्ठा कर रहे हैं, तो केस टूल्स भी यही करते हैं कि एक हमारे पास सेंट्रल रिपोजिटरी है या हमारे पास डाटा स्टोर है और उसी डाटा स्टोर के ऊपर बहुत सारे हम फंक्शंस कर रहे हैं। आपने डायग्राम्स क्रिएट करनी है, आप डायग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, हम
इन्हीं रिपोर्ट्स से जो है वो अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले जो से है उसमें से डायग्राम्स बना सकते हैं, हमारे पास टेक्स्ट कोड आ सकते हैं, टेक्स्ट की रिपोर्ट्स और ग्राफिक की फाइल्स जो है वो आउटपुट में आ सकती हैं, और ड्राइंग डायग्राम्स हम इसको एज इनपुट दे सकते हैं, फॉर्म्स हमें एज इनपुट इसको दे सकते हैं। तो इसमें भी ये है कि बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ये परफॉर्म कर रहा है, और इन सारे ऑपरेशंस में जो कॉमन बात है, जो खास बात है, जो एक चीज है, वो क्या है कि वो हमारे पास रिपोजिटरी सेंट्रल है। ऑल ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द डाटा दैट वी स्टोर इन टू दी सेंट्रल लोकेशन और सेंट्रल रिपोजिटरी। अ यूजर ऑफ अ केस टूल कैन ड्रॉ यूएमएल डिजाइन डायग्राम सच एज अ क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड स्टोर द डिजाइन फ्लू प्रिंट्स इन द केस स्टोर। ठीक है, तो ये उसी डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि आप यूएमएल की बहुत सारी डायग्राम्स इससे स्टोर करा सकते हैं और हम अपने बेसिक ब्लू प्रिंट्स जो हैं वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, डायग्राम्स हम क्रिएट करा सकते हैं और बेसिक जो ब्लू प्रिंट्स हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डाटा जो है ये रिसीव कर रहा है और उस डाटा को प्रोसेस जो करने हैं उसके लिए हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करके किसी और फॉर्मेट के अंदर आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट अगेन जो है हमारी स्टोर सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर ही हो रही होती है। The advantage of case tools is its centralized data with many supporting software tools which can generate products for different purposes based on the same set of data. इसका फायदा क्या है इन इस तरह case tools बनाने का कि centralized data के ऊपर बहुत सारे supporting softwares attach किए जा सकते हैं, और ये supporting software जो है same data set को different purposes के लिए डिफरेंट तरह में निकाल सकते हैं। मतलब आप यूएमएल की डायग्राम भी बना सकते हैं, उसी में से टेक्स्ट फाइल भी निकाल सकते हैं, आप कोड फाइल भी निकाल सकते हैं, जबकि डाटा जो है वो सेम ही है, उसकी हम शक्ल या उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई कंपोनेंट हमारे पास चेंज करके दे रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग लग रही है तो फिर उसकी जो है वो डिफरेंट एक फॉर्मेट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। कौन कौन सी एप्लीकेबल डोमेन्स हैं जिसके अंदर हम रिपोजिटरी आर्किटेक्चर लगा सकते हैं? रिपोजिटरी आर्किटेक्चर लार्ज या कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए सूटेबल है। क्यों उनके लिए सूटेबल है? क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल स्टोर पे जब डाटा स्टोर कर रहा है तो फायदा क्या है, अच्छा क्या है कि जब डाटा की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी तो सिंगल स्टोर पे उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। Where many software component clients need to access them in different way. ठीक है, और आपके पास जो इसके clients या इसके components है वो बहुत सारे हैं, और उन सबने ही सारों ने ही इसको access करना है, और सारों ने अपनी अपनी तरह से access करना है, उनको different data चाहिए, किसी को patient का नाम चाहिए, किसी को patient का diagnosis चाहिए। ठीक है, and it requires उस तरह के डोमेन्स में सूटेबल है जहां पे रिक्वायर्स डाटा ट्रांजैक्शंस टू डिराइव द कंट्रोल फ्लो ऑफ द कंप्यूटेशन, कि डाटा की ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कंट्रोल फ्लो क्या होगा या आपके सिस्टम की ओवरऑल प्रोसेसिंग कैसे होगी। ठीक है, डाटा पे डिसाइड होता है कि अब ये इस कंपोनेंट उसको एक्सेस कर रहा है या कंपोनेंट उसको प्रोसेस कर रहा है या कंपोनेंट उसको वापस स्टोर करा रहा है। फायदा क्या है? कंपोनेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, जावा के एडिटर का यूएमएल के एडिटर से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो हमारे पास कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट आते हैं, बनते हैं, और इसका तो फायदा आपको याद ही होगा, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जिधर जिधर आता है वहां पे हमारे पास इंक्रीज्ड रीयूजेबिलिटी आती है और मॉडिफाइबिलिटी आती है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी आराम से हो सकती है क्योंकि आप एक कंपोनेंट को निकाल के अगले कंपोनेंट को डाल सकते हैं, रिप्लेसेबल हो जाते हैं कंपोनेंट्स, हम एक ही कंपोनेंट बहुत सारी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जब भी क्रिएट करेंगे तो उसमें एक जगह पे या एक ही एनवायरमेंट के अंदर होने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाइएबल कैसे हैं कि कंपोनेंट्स का चेंज, किसी एक कंपोनेंट का चेंज किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर चेंज को ट्रिगर नहीं करता। ठीक है, एक कंपोनेंट आप आराम से चेंज कर ले और दूसरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
चेंजेस मेड बाय वन कंपोनेंट कैन बी प्रोपोगेटेड टू ऑल कंपोनेंट. ठीक है, अब डाटा के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं, जो डाटा के अंदर हमने नई बात ला दी थी, अब वो एक दफा हमने जब सेंट्रल लोकेशन पे चेंज कर दिया तो वो अब बाकी सारे कंपोनेंट्स तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चली गई है. ठीक, अब इनकंसिस्टेंसी वाली बात खत्म हो गई. एक बार जब किसी ने डाटा, किसी भी कंपोनेंट ने डाटा अपडेट कर दिया है, तो वही डाटा जो है बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी रिसीव हो गया है और उनको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अब वो पुरानी इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो मसला खत्म हो गया कि ऐसे तो नहीं है ये पुरानी डेफिनेशन पे चल रहा है और दूसरा कॉम्पोनेंट जो है वो किसी नई डेफिनेशन के ऊपर चल रहा है. ऑल डाटा कैन बी मैनेज कंसिस्टेंटली एज इट इज ऑल इन द वन प्लेस. ठीक है, तो मैनेजमेंट उसकी आसान हो गई, बैकअप्स जो है वो लेना आसान हो गए क्योंकि इसकी लोकेशन एक ही है, तो उसी एक ही लोकेशन से हमने डाटा डाला है और उसी एक ही लोकेशन से जो है हम डाटा आराम से उठा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. नुकसान हाउएवर क्या है, रिपोजिटरी इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. ठीक है, सारे कंपोनेंट्स ने आपस में तो इंटरैक्ट करना नहीं था, उन्होंने तो खाली करना था रिपोजिटरी के साथ. तो अब अगर किसी स्टेज पे हमारी रिपोजिटरी कलैप्स कर जाती है तो हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे. ठीक है, डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि रिपोजिटरी जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन पे रिपोजिटरी पड़ी हुई है और सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उसी के साथ एसोसिएटेड हैं, आपस में तो एसोसिएशन है नहीं. तो अगर आपकी सेंट्रल लोकेशन से हमारा डाटा स्टोर ही कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये सारी कम्युनिकेशंस भी इनवैलिड हो जाएंगी और योर कंपोनेंट्स वुड बी नॉट एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शनैलिटी एट ऑल. ठीक है, तो ऑल कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द रिपोजिटरी और द सेंट्रल लोकेशन एंड इफ दैट फेल्स द सिस्टम फेल्स. And there may be inefficiency in organizing communication through the repository. ठीक है, डाटा की जब भी ट्रांसफर होती है तो वो मेमोरी का टाइम या प्रोसेसिंग का टाइम इस्तेमाल करता है. तो हर चीज को रिपोजिटरी से गुजारना, डाटाबेस में से गुजारना, दैट वुड टेक टाइम. तो वो हमारी एफिशिएंसी को या हमारी परफॉर्मेंस को स्लाइटली इफेक्ट करता है. Distributing the repository across several computers may be difficult. ठीक है, तो ये हमने जैसे पहले भी देखा था कि रिपोजिटरी को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल काम है और एक ही फिजिकल मशीन पे रखें तो फिर उसके फेलियर वाली बात बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है. आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं. आज हमने क्या देखा, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की कैटेगरीज पहले भी देखते आ रहे हैं, आज भी हमने उसी से नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे सेंट्रल शेयर डाटा या सेंट्रल डाटा के कौन से आर्किटेक्चर्स हैं. उसमें हमने सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर को डिटेल में देखा. डाटा की निस्बत से दो मेन कैटेगरीज हमने सो फार देखी हैं. एक तो हमने देखी है कि डाटा फ्लो वाले आर्किटेक्चर्स कौन से हैं और फिर दूसरे आज हमने देखे हैं कि शेयर डाटा या सेंट्रल डाटा वाले आर्किटेक्चर्स कौन से हैं. डाटा फ्लो वाले हमारे पास सिक्वेंशियल आर्किटेक्चर्स थे जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस पे कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कंपोनेंट्स जो है वो सिक्वेंशियली अरेंज थे और हर कंपोनेंट की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन रही थी. शेयर्ड डाटा में क्या है कि हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन बनती है और सेंट्रल लोकेशन के ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ है. ठीक है, एवरी डाटा दैट वुड बी रिक्वायर्ड बाय द कंपोनेंट्स इज प्लेस्ड ऑन द दैट शेयर्ड और सेंट्रल लोकेशन. कंपोनेंट्स उसी सेंट्रल लोकेशन के इर्द गिर्द अरेंज्ड है. ठीक है, दैट्स वेयर द सेंट्रल पार्ट कम्स इन. कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी एंड द कंपोनेंट्स डू नॉट इंटरैक्ट विद इन बिटवीन देमसेल्व्स. कंपोनेंट एक दूसरे से बात नहीं करते, वो खाली रिपोजिटरी से ही बात करते हैं. ठीक है, बात करने का मतलब क्या है कि वो खाली उसी को एक्सेस कर सकते हैं और इस एक्सेस की बेसिस के ऊपर अपडेशंस कर सकते हैं. ठीक है, अपडेशंस ऑटोमेटिक नहीं होती. अगर किसी भी आपके जो है कंपोनेंट को अपना प्रोसेसिंग के लिए नया डाटा चाहिए तो वो उसको रिपोजिटरी से खुद रिसीव करना पड़ता है. रिपोजिटरी अपने अंदर किसी चेंज को एजेंट्स तक कम्युनिकेट नहीं करती. ठीक है, जब तक मीनिंग क्या है, रिफ्रेश का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नया डाटा नहीं रिसीव होगा. डाटा हो सकता है कि चेंज हो गया हो, लेकिन डाटा चेंज होकर इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आएगी जब तक भी आप जो है उसका रिफ्रेश का बटन खुद से नहीं दबा देते. ठीक हो गया,
तो इसमें फिर हमने ये देखा कि इसके ड्रॉबैक्स और इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है, और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। रिपोजिटरी जितनी बड़ी है उतनी इम्पोर्टेंट भी है, सारों ने उसी को एक्सेस करना है, और अगर वो रिपोजिटरी फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, और अगर वो रिपोजिटरी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो अगेन पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस पर वर्क नहीं कर सकता। लेकिन इसकी आसानी या इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो कॉन्स्टेंटली हम नए कॉम्पोनेंट्स इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, सो न्यू कॉम्पोनेंट्स कैन बी एडेड, द प्रीवियस कॉम्पोनेंट्स कैन बी मॉडिफाइड, और दूसरी इसमें क्या है कि हमारी डाटा की इनकन्सिस्टेंसीज नहीं हो सकती, डाटा एक ही जगह है, सारा डाटा है, तो वो इनकन्सिस्टेंट जो है हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी शेयर्ड डाटा आर्किटेक्चर क्या जो दूसरा हमारे पास था, आज तो हमने खाली सेंट्रल रिपोजिटरी देखा है ना, दूसरा जो हमने शुरू में बताया था वो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड वाला, तो उसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोगों का काम ये है कि इस लेक्चर को जरूर इसके जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं और जो बुक आपको दी हुई है उसमें से जरूर इसको पढ़िए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी वो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले की जरूर रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दैट वुड बी बेस्ड ऑन दिस वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and thank you so much. I'll see you in next lecture.